नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की पुण्यतिथि पर जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय ने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। साहिबगंज विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। और डीआरआई की टीम ने राजे टोल प्लाजे के समीप 2 केजी सोने के बिस्किट के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। ये थे आज के प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय ने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शहर के महान समाजवादी नेता एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की 93वीं जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर के नगर भवन में पहली बार राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व बिहार सरकार जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय समेत प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के अलावे गणमान्य व्यक्तियों ने सिटी पार्क स्थित जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहर के नगर भवन में आयोजित राजकीय समारोह कार्यक्रम में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व और कार्यों पर प्रकाश डाला गया। कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस का देश और समाज के प्रति योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा वंचित तबकों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, हमें उनका अनुसरण करने की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये राजकीय समारोह के रूप में पहली बार जॉर्ज साहब की जयंती आज मुजफ्फरपुर में आयोजन हुआ है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मंगलोर से चलकर और मुजफ्फरपुर और देश के कई कोनों तक अपना विचार, अपना सिद्धांत पहुंचाने का काम किया और 8 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में गए। तो रेल आंदोलन से लेकर रूढ़िवादी विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठाना, कमज़ोर वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना उनकी पहचान थी और उसके बदौलत ही खास करके मुजफ्फरपुर के लोगों के दिल में बसते थे। और उनका विचार था कि मुजफ्फरपुर बहुत विकसित हो, आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने कई प्रकार का योजना भी यहाँ लाकर देने का काम किया। तो हम लोग तो उनके जयंती में यही संकल्प और अनुसरण करने की बात कहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं उनकी बात को अगर हम समझते हैं और उसको अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो उस काम को करने के लिए हम लोग आज के इस जयंती समारोह में हम लोग संकल्प लिए हैं। मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको, आप शायद अंदर में नहीं थे, यहाँ पर स्मार्ट सिटी में काम हो ही रहा है, आप घूमिए मुजफ्फरपुर को। डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर राजे टोल प्लाजे के पास छापेमारी कर 2 केजी सोने के बिस्किट के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। डीआरआई की मुजफ्फरपुर यूनिट ने दरभंगा के राजे टोल प्लाजा के पास 1 कार और 2 किलोग्राम सोने का बिस्किट जब्त किया गया। जब्त बिस्किट पर स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। बाजार में इसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ आंकी जा रही है। इस दौरान 2 तस्करों को भी अरेस्ट किया गया है। मुजफ्फरपुर डीआरआई टीम को गुरुवार की देर रात यह जानकारी मिली थी कि कार से विदेशी सोने की तस्करी की जा रही है। कार की पूरी डिटेल मिलने के बाद डीआरआई की टीम ने एक्शन लिया और दरभंगा राजे टोल प्लाजा के पास सफ़ेद रंग के इको स्पॉर्ट कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में कार में बने तहखाने से 2 किलोग्राम सोने का बिस्किट जब्त किया गया। जब्त बिस्किट पर स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। बाजार में इसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ आंकी जा रही है। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक स्विट्जरलैंड का सोना तस्करी कर बांग्लादेश लाया गया था। उसके बाद बांग्लादेश के तस्करों ने सोने को दोनों गिरफ्तार तस्कर को असम के इंडो बांग्लादेश बॉर्डर समीप हैंड ओवर किया। उसके बाद दोनों तस्कर कार से बिहार के दरभंगा के लिए चले। दोनों तस्करों को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों तस्कर दरभंगा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिले में गर्मी का सितम जारी, पारा लगातार 40 के पार रहा। दिन भर लोग भीषण गर्मी से हाँफते रहे। बिहार के अधिकतर जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आसमान से आग बरस रही है। उमस और गर्मी से लोगों का जीना बेहाल है। मौसम विभाग ने शनिवार को उत्तर और पूर्वी बिहार के 11 जिले में लू चलने वाली यानी हीट वेव की चेतावनी जारी की है।
आगामी 72 घंटे तक प्रदेश में मौसम के तेवर तीखे ही रहने की आशंका है। फिलहाल बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार के अधिकतर जिले में बारिश के लिए तरस रहे हैं। प्री मानसून में बारिश की बेरुखी से बिहार के शहरों का पारा बढ़ता चला जा रहा है। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 41.9 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान पर गौर करें तो बिहार के अधिकतर शहर में राजस्थान के शहरों से भी अधिक गर्म है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जारी मानसून में अगले 5 दिनों तक मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने और न्यूनतम तापमान के 25 से 27 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 13 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। मुजफ्फरपुर में अगले 10 दिनों तक भीषण गर्मी का प्रकोप रह सकता है। अरे गर्मी क्या बताएं हम आपको, आज मैंने मंजिल गया और एक मिनट में मैंने पैदल चल नहीं पाया। इतनी गर्मी है, लग रहा था कि लू मार देगा, मैं गिर जाऊंगा। और अगल बगल वाला आदमी तो पेड़ कहाँ कहाँ छुप रहा था। हम क्या कहते हैं, हम तो सोच रहे थे कि हम भी गिर जाएंगे। लग रहा था कि आज मेरा भी आज अर्थी यहीं चल जाए। गर्मी पड़ रही है, इसमें क्या है, बारिश नहीं आ रही। दुआ करे सभी भाई, है नहीं मदद करे सभी की। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। उत्तर प्रदेश में इससे कम गर्मी पड़ती है? वहाँ पे तो बारिश हो रही है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। वहाँ बारिश हो रही है? वहाँ तो बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। इतना पड़ रहा है, क्या कहिएगा? बहुत बेचैनी वाली गर्मी है। गर्मी में तो आदमी झक झक के, हालत खराब है। ये गर्मी में बहुत ही परेशानी बढ़ गया, आदमी को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जनजीवन कैसा चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है। दोपहर में धूप भी बहुत ज्यादा तेज रहती है, तो मार्केट का काम उनका कैसे करते हैं? बस क्या करे, कहूँ किसी मजबूरी के कारण जाना पड़ जाता है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सोनम कुमारी ने भू माफियों से अपनी जान माल का खतरा बताते हुए कहा कि जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सोनम कुमारी ने शनिवार को कोर्ट परिसर स्थित अपने चेंबर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस के माध्यम से जिला प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने शहर के भू माफियों से अपने जान को खतरा बताया है। प्रेस को संबोधित करते हुए अधिवक्ता सोनम कुमारी ने बताया कि उनके पास 14.5 एकड़ जमीन है जिस पर लीची का बगान लगा हुआ था, लेकिन ब्रज किशोर कुमार जबरन उस जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। कब्जा जमाने के नियत से बीते 9 मई को जेसीबी के द्वारा जमीन के बाउंड्री को तोड़ दिया गया। जब अधिवक्ता ने विरोध किया तो सभी लोग छोड़कर चले गए। उसके बाद फिर 28 मई को ब्रजकिशोर कुमार अपने साथियों के साथ लगभग 200 से 300 लोगों को लेकर लीची बागान में आए और जबरन पेड़ को काट दिया और चार दीवारी को गिरा दिया। वहीं लीची बागान की देखरेख कर रहे चौकीदार के रहने के लिए बनाए गए उस घर को भी आग लगा दी। जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया तो भू माफियों ने अधिवक्ता को भी आग में जलाने की कोशिश की। अधिवक्ता ने प्रेस के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। अधिवक्ता का कहना है कि उक्त जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उस जमीन पर टाइटल का मुकदमा दर्ज है। न्यायालय का जो भी फैसला होगा अधिवक्ता उसे मानने के लिए तैयार है। अधिवक्ता ने ब्रजकिशोर कुमार और भू माफियों से अपील की है कि न्यायालय का फैसला आने तक इंतजार करें। अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो जमीन को छोड़ देंगे। देखिए, मेरा नाम सोनम कुमारी हुआ और मैं इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मुजफ्फरपुर न्यायालय में। और आज मेरे पास आखिरी उपाय है, आप लोग मीडिया, जहाँ से हम अपनी बात आम जनता तक और लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के सहयोग से भू माफियाओं का बल दिन प्रतिदिन बढ़ा जा रहा है और ये लोग ज़बरदस्ती किसी के भी प्रमाइसेस को तोड़ करके अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा जमीन है भीखनपुर स्थित अहियापुर थाना क्षेत्र में, जो 14 एकड़ लैंड में पूरे बाउंड्री वाल से किया हुआ है। हम लोग वहाँ पे 40वां साल से कब्जा रखते हैं और वो हमारे ही फादर इन लॉ द्वारा खरीदा गया था, लेकिन हमारे फूफा जी ब्रजकिशोर कुमार अपने साथ शहर के गिने चुने भू माफियाओं और गुंडों को भाड़ा पर करके लाते हैं और हमको तंग करते हैं। 9/5 को ये लोग क्या करते हैं, जेसीबी ला करके बाउंड्री वाल को ज़बरदस्ती तोड़ देते हैं और ज़बरदस्ती जबरन घुसने का प्रयास करते हैं। फिर 10 तारीख को पुनः प्रयास करते हैं। फिर ये लोग कुछ दिन तक शांत हो रहते हैं, लेकिन अभी इन लोगों का 28 तारीख को इतना ज़्यादा मनोबल हाई हो गया कि ये लोग इस बार
60-70 लोग नहीं, 300-400 लोगों के साथ आए और मेरे पूरे लीची बगान को फ्री कर दिया लूटने के लिए। उन लोगों के बीच में लूटा गया, उसके बाद हमारे चौकीदार का जो उसी लीची बगान में घर बना था उसको जला दिया गया, उसका पूरा सामान जलकर राख हो गया। हमको जबरदस्ती उन लोगों ने उसी आग में झोंकने का प्रयास किया और हमने इससे संबंधित सारी जानकारी आवेदन के रूप में अहियापुर थाना को, वरीय पुलिस अधीक्षक को, पुलिस उपाधीक्षक को और अपने स्तर से जहाँ जहाँ मुझे लगा भेजना चाहिए मैंने भेजा है। और अभी जो है 31 तारीख को ये लोग फिर से पुनः 500-600 लोग के साथ आते हैं और 500-600 लोगों के साथ आकर के जनरेटर, कटर मशीन, ट्रैक्टर के साथ आते हैं और पूरे लीची बगान को, जहाँ मुजफ्फरपुर को लीची का GI टैग मिला हुआ है, स्पेशल पावर है, और वहाँ पर मुजफ्फरपुर पहुँचे जिले के प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की फिर से सरकार बनेगी। 2024 लोकसभा में महागठबंधन की बनेगी सरकार, हमारे विपक्षी एकता की ताकत बेहद मजबूत है, NDA का होगा सफाया, बिहार सरकार में मंत्री जितेंद्र राय का बयान। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे राज्य सरकार में कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, केंद्र सरकार ने आम जन से वादा खिलाफी किया है, PM मोदी के बिहार आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उन लोगों ने तो मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज का सपना भी दिखाया था, क्या हुआ आज तक नहीं बना, और तो और आम लोगों के खाते में 15 लाख रुपए खाते में भी भेजने की बात कही थी, अब तक किसी के खाते में नहीं आया है। यही नहीं, एम्स का सपना सपना ही रह गया, जबकि मुजफ्फरपुर में लंबे अरसे से एम्स की मांग होती रहती थी जो कि आज तक नहीं पूरा हुआ है। आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी और इसके साथ ही हम अपनी नीतियों को लेकर के ही आगे लगातार बढ़ रहे हैं। खेला हो जाएगा, अब तो पता चलेगा बिहार में, तो खेला करते करते तो ये महागठबंधन की सरकार बन गई। नहीं, क्या लगता है 40 सीटों पर क्या स्थिति रहेगी? 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। अच्छा, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बीजेपी विधायक को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है? अब ये विषय तो जांच का है, कानून अपना काम कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। अगली बार आऊंगा तो एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, क्या लगता है? देखिए, उनका काम है इसी तरह वादा करते रहना, अब पता ही एयरपोर्ट तो बना नहीं। हमारे यहाँ गए थे विधानसभा के चुनाव में, जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो वहाँ चीनी मिल खोल रहे थे, अब 15 लाख खाता में दे रहे थे और 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे प्रति वर्ष, तो सब आप लोग जान ही रहे, काला धन का तो नाम ही नहीं ले रहे आजकल, अब हो क्या रहा है पता नहीं। मंत्री जी दरभंगा भेजे गए, मुजफ्फरपुर की लंबी अरसे से मांग रही थी। अरे भाई, घोषणा जितना उन्होंने किया है, एक भी काम हुआ है कहीं? अभी एक तो लोग बोलते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में, जाइए गांव में देखिए, गरीब के पास पैसे नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए, कोई काम नहीं हो रहा है। आपके सामने है और 24 आ रहा है, पता चल जाएगा 24 में क्या लगता है, मतलब 24 में तो बिहार में सुपारा साफ हो जाएगा, इस तरह देश में भी होने वाला है। कौन करेगा महागठबंधन का? महागठबंधन के नेता करेंगे, और कौन करेगा? बीजेपी कह रही है कोई नेता ही नहीं, इतने नेता हैं। अब उनको भ्रम है तो वो भी दूर हो जाएगा। कहेंगे 9 साल क्या बेमिसाल हूँ? नहीं, 9 साल तो उनको हो ही गया है, एक टर्म जो है सो जीते, दूसरे में भी देश की जनता जो है सो उनको समर्थन करने का काम किया, उन पर आस्था व्यक्त करने का काम किया, लोगों को लगा, देश के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को लगा कि हमको लगता है कि एक चांस और दे देंगे तो हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, तो 9 × 2 = 18, चूँकि 1 साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी किए थे, लेकिन हमको लगता है कि 2 लाख रोजगार भी 9 सालों में नहीं दे पाए हैं, और हमको जानकारी लगी है कि 9 साल होने के उपलक्ष में वो बिहार में जो है सो कि उनका आगमन भी हो रहा है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि बिहार में आ रहे हैं, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हमारे राज्य में आ रहे हैं तो इससे अच्छा खुशी की बात क्या है, लेकिन हम उतने आपके माध्यम से इतना ज़रूर हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को कहना चाहेंगे कि जो वादा बिहार की जनता और देश की जनता के साथ उन्होंने किया था आज से 9 साल पहले 2014 में, वह वादा को कितना पूरा किए हैं वो जो है से कि बताने का काम करेंगे। हम पहले भी बोल चुके हैं और आज भी बोल चुके हैं, वो फर्राटेदार लोगों के बीच में बोलते थे कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो बोलते थे कि हम काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपये सभी के खाते में चले जाएंगे, वह बोलते थे कि भाइयों व बहनों पेट्रोल और डीजल आधी दाम पर हो जाएगा तो फिर इससे खुशी क्या हो जाएगा,
महंगाई यूं ही कम हो जाएंगे, इस तरह की बातें वो बोलते रहते थे। और हम मुजफ्फरपुर के लोग हैं। कांटी नरसंडा चौक पर उषा फर्नीचर का भव्य शुभारंभ मंत्री इसराइल मंसूरी ने फीता काटकर किया। शहर के कांटी नरसंडा में खुला उषा फर्नीचर का नया शोरूम मंत्री इसराइल मंसूरी ने किया उद्घाटन। शनिवार को कांटी नरसंडा में उषा फर्नीचर नामक नए फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिक मंत्री इसराइल मंसूरी ने किया। शोरूम में मात्र 31,000 रुपए में शादी का पूरा फर्नीचर सेट दिया जा रहा है। उषा फर्नीचर के प्रोप्राइटर दिनेश ठाकुर ने बताया कि गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के लिए सस्ता और टिकाऊ फर्नीचर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे आम लोगों को शादी विवाह में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उषा फर्नीचर का उद्घाटन किया गया है और इसके प्रोप्राइटर दिनेश ठाकुर जी, जो मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के सरपंच भी हैं और प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं और जिला उपाध्यक्ष, तो एक जन प्रतिनिधि और इतना बड़ा फर्नीचर के काम शुरू किए हैं। हम घूम कर भी इनका शोरूम को देखने का काम किया है, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का और हर तरह का रेंज हम देखे हैं, चाहे फर्नीचर हो, अलमारी हो, सोफा हो, पलंग हो। तो हम तो इनको धन्यवाद देना चाहेंगे और हमको खुशी की बात है कि कई फर्नीचर की दुकान पहले से भी नरसंडा में है। तो यह कांटी जो है बिहार लेवल का नरसंडा हब बन गया है, फर्नीचरों का हब बन गया है और बिहार भर के लोग यहाँ फर्नीचर क्रय करने के लिए आते भी हैं। और एक नया दुकान खुला है, नया नया और जो है सो डिजाइन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी कोना से नरसंडा फर्नीचर हब में चले आएंगे तो उनकी जरूरत निश्चित तौर पर पूरा हो। सबसे पहले तो मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, कितने बड़े मंत्री होते हुए हमारे एक मामूली सरपंच का इन्होंने दुकान का शुभ उद्घाटन करने का काम किया है। और साथ ही जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, नौजवान साथी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त वगैरह हैं, तो सभी लोग इतनी तरक्की धूप में भी हमारे यहाँ दोपहर के समय में आने का कष्ट किया है, सभी लोगों को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही लगन के विषय में यही कहना चाहिए कि हमारे यहाँ एक ऑफर है 31,000 रुपये का, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही सुनहरा है। इसमें 9 सामान हम देते हैं, वो भी ग्रांटेड सामान है, कोई भी सामान खराब नहीं, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें दीवान पलंग आपको है, गद्दा उसका देते हैं, टेबल है, कुर्सी है, अलना है, ड्रेसिंग आईना है, उसके साथ साथ एक अलमीरा भी है ताकि कपड़ा को रख सके। और हमारे यहाँ हर तरह का रेंज है, गरीब से गरीब व्यक्ति के बजट में आ सकता है, मध्यम वर्ग के लिए भी है और कुछ वर्ग के लिए भी रखे हैं। और हर तरह का बहुत ही बढ़िया फर्नीचर हम लोग बनाते हैं और ये लगभग 25 वर्षों का अनुभव हमारे पास है। विशेष ऑफर मिलेगा अभी जैसे उद्घाटन हुआ है तो कुछ विशेष ऑफर है? जी 5-20% तक का डिस्काउंट है आज के दिन में, जो कि हमारा सामान है। क्या लोकेशन है दुकान? NH28 नरसंडा चौक कांटी मुजफ्फरपुर। जी चेक क्या हुआ? दिनेश ठाकुर साहेबगंज विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। अब ये विषय तो जांच का है, कानून अपना काम कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में हम लोगों को वारंट अभी प्राप्त हुआ है माननीय विधायक जी के अगेंस्ट में और हम लोगों की छापेमारी लगातार चल रही है और जैसा भी आगे इसमें होगा आप लोगों को अवगत करा दिया है। देखिए यह पुलिस प्रशासन का काम है, कोई किसी पर आरोप लगाता रहता है, हर एक दूसरे पर लोग आरोप लगाते रहते हैं, ये पुलिस प्रशासन का काम है, उसको सच्चाई दिखना, वो जांच में जो सही पाते हैं वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम, क्योंकि अब तमाम मीडिया के लोग हैं, हम एक संस्कृति के खिलाफ है, जो संस्कृति अभी वहाँ डेवलप हुई है, वाक युद्ध जो हो रहा है, एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं चाहे जो लोग भी हो। राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में बीजेपी के साहिबगंज विधायक पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुई है। इसको लेकर के जिले के SSP राकेश कुमार ने बताया कि माननीय विधायक के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, गिरफ्तारी को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कुर्की की वारंट को लेकर कहा कि यह आगे की प्रक्रिया है, जिसकी जरूरत होगी उसकी प्रक्रिया की जाएगी। वहीं इस विषय पर प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप लगा रही है, यह जांच का विषय है, पुलिस अपना काम कर रही है। विधायक राजू सिंह मामले में पूछने पर मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि मामला पुलिस और न्यायालय में है, इसको वहां देखा जा रहा है।
वहीं उन्होंने कहा कि साहिबगंज में जो अभी तक वाक युद्ध शुरू हो गया है ये बहुत गलत परंपरा है, इस पर दोनों पक्षों को समझदारी से काम करने की जरूरत है। अब ये विषय तो जांच का है, कानून अपना काम कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में हम लोगों को वारंट अभी प्राप्त हुआ है माननीय विधायक जी के अगेंस्ट में, और हम लोगों की छापेमारी लगातार चल रही है, और जैसा भी आगे इसमें होगा आप लोगों को अवगत करा दिया है। गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है? हाँ, वो जारी हो चुका है। क्या कुर्की वारंट जारी करने के लिए भी पहुंच गया है? वो इसका अगला स्टेज है, जब वैसी स्थिति आएगी तो आप लोगों को अवगत करेंगे। अभी वारंट प्राप्त। देखिए, यह पुलिस प्रशासन का काम है, कोई किसी पर आरोप लगाता रहता है, हर एक दूसरे पर लोग आरोप लगाते रहते हैं, ये पुलिस प्रशासन का काम है उसको सच्चाई दिखना, वो जांच में जो सही पाते हैं वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम, क्योंकि अब समान मीडिया के लोग हैं, हम एक संस्कृति के खिलाफ है, जो संस्कृति अभी वहाँ डेवलप हुई है, वाक युद्ध जो हो रहा है, एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, चाहे जो लोग भी हो। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स दीवान पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाए। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी फिन सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, BEd, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। अपने स्वास्थ्य
बाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000 4000 10000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087727878 एंड 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर छाता चौक मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है, ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बुलेरो, इनोवा, फॉर्चूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। निजी होटल के सभागार में IIM यूनिवर्सिटी द्वारा बदलते शिक्षा प्रणाली विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। IIM यूनिवर्सिटी की ओर से शनिवार को शहर के एक निजी होटल के सभागार में देश में बदलते शिक्षा प्रणाली विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।
इसमें विद्वानों ने नई शिक्षा प्रणाली पर चर्चा करते हुए उसके लाभ और नुकसान को विस्तार से बताया। वहीं बदलते शिक्षा प्रणाली से छात्रों को अपडेट करने की विधि बताए गए। इस दौर में छात्रों को जिस तरह की शिक्षा चाहिए कि वह बिहार ही नहीं पूरे विश्व में देश का नाम रोशन करे, इसका तरीका बताया गया। विद्वानों ने कहा कि IILM यूनिवर्सिटी गुड़गांव एवं ग्रेटर नोएडा छात्रों की उज्जवल भविष्य के लिए बदलते शिक्षा प्रणाली में कई तरह के तकनीकी कोर्स को लॉन्च किया है, जिससे छात्रों में काफ़ी फायदा होगा और पहचान मिलेगी। गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सुजात शाही ने कहा कि विश्वविद्यालय बदलते शिक्षा प्रणाली के परिवेश में अपने आप को हमेशा अपडेट रखती है, समय समय पर छात्रों को अपडेट करती है। जिस तरह तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र पूरी दुनिया में नाम करते हैं, इसी को ध्यान में रखकर IILM यूनिवर्सिटी ने भी कोर्स को चयन किया है। आधुनिक शिक्षा विस्तार का ये उद्देश्य है कि हमारा फ्यूचर और भविष्य का शिक्षा प्रणाली कम्प्लीटली बदल रहा है। हमारे बच्चों को ये जानना चाहिए कि एक साइलो में शिक्षा प्राप्त करना अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। लिबरल एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जो कि बच्चों को सर्वांगीण विकास और स्किल युक्त बनाएगा, कौशल युक्त बनाएगा। बच्चे कहीं भी जाएं, बट वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि कौशल की आवश्यकता है और वो कहीं भी काम कर सकते हैं। ये हमारे फ्यूचर की है। अभी हमें इवन कॉरपोरेट जगत को ये नहीं पता है कि भविष्य में कैसे कैसे प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिसका एक सिंपल एग्जाम्पल है आपका EV कार। मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम बैटरी डीजल से EV में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और कैसे हम फ्यूचर को चेंज करेंगे, इसके लिए हमें अपने कोर्स में सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी। ये फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है कि आप एक सिर्फ बच्चे को नौकरी के लिए नहीं तैयार करें, एक आदर्श रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बनाने के लिए तत्पर करें। ये हमारा अब शिक्षा का प्रणाली है। हमें वापस से अपने तक्षशिला को, अपने नालंदा को देखना पड़ेगा कि उनकी शिक्षा प्रणाली क्या थी। वो एक साथ 64 कलाओं को पढ़ाते थे। उन कलाओं को अब हमें लाना है और बच्चों को भारतीय संस्कृति के मूल रूप से उसके साथ कौशल की वो कैसे हम जोड़ेंगे, इन सबों को तैयार करना है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था उसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आधुनिक होता जा रहा है और बिहार की जो शिक्षा स्थिति है? नहीं, बिहार की शिक्षा नीति को बहुत बदलना ज़रूरी है। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बिहार से पढ़ी हुई हूँ, बट बिहार की शिक्षा नीति में एक सर्वांगीण विकास जो एक छात्र का होना है उसका अभाव है। हम पढ़ा तो सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे शिक्षक हैं, नॉलेज तो हम दे सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का सर्वांगीण विकास। समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती के अवसर पर शनिवार को समता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल ने कहा कि पार्टी 2024 की आम चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेगी। बिहार में जो भी चुनाव होंगे, पार्टी हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार के हर जिले में बैठक की जा रही है। नीतीश कुमार ने अपने सिद्धांत के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन हम लोग सिद्धांत के साथ समझौते करने वाले नहीं हैं। बिहार में दिन प्रतिदिन शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से तंग आकर पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार जिंदगी भर जंगल राज का विरोध करते रहे, लेकिन अब आखिरी समय में उसी के साथ सरकार चला रहे हैं। जॉर्ज साहब की जयंती है और जॉर्ज साहब और समता पार्टी के नाम से मुजफ्फरपुर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जॉर्ज साहब का जो स्मारक है मुजफ्फरपुर में है, हम लोग आदरणीय जॉर्ज साहब के स्मारक पर जाकर माल्यार्पण करेंगे और यहीं से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, क्योंकि यह पार्टी कभी समता पार्टी के संस्थापक रहे हैं नीतीश कुमार जी, और आज समता अपने सिद्धांतों से समझौता कर चुके हैं, और इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आगामी चुनाव की घोषणा करते हैं, समता पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ पर बिहार की जो स्थिति है
अत्यंत दयनीय है। आज हमारे यहाँ के जो युवा हैं अन्य राज्यों में नौकरी करने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। उनके युवाओं यहाँ बिहार के जो युवा हैं जो परेशान है उनके भविष्य से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अपना भविष्य संवारना है। और आज देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिसका विरोध करते रहे, जिस जंगल राज का विरोध करते रहे, उन्होंने समता पार्टी बनाई, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड बनाए, आज देखिए फिर उन्हीं के गोद में जा करके बैठ गए हैं। और ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और समता पार्टी फिर से मशाल लेकर पूरे बिहार में घूमने का काम करेगी और एक बार फिर से हम लोग परिवर्तन देने का काम करेंगे। गेस्ट लेक्चर की बहाली प्रक्रिया को लेकर छात्र राजद की टीम कुलपति से मुलाकात की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चर की बहाली प्रक्रिया का विरोध जता रहे हैं छात्र। राजद की टीम ने शनिवार को बीसी से मुलाकात की। छात्र राजद बीसी को बताया कि गेस्ट लेक्चर की बहाली में रिजर्वेशन रोस्टर की अनदेखी की गई। हम लोगों की मांग है कि जब रिजर्वेशन रोस्टर लागू हो जाए तब गेस्ट लेक्चर की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। राजद छात्र के नेता चंदन कुमार ने बताया कि उनकी मांग को कुलपति ने मान लिया है और उन्होंने कहा कि अब तक कमिश्नर के यहां से रिजर्वेशन रोस्टर नहीं आता तब तक गेस्ट लेक्चर की बहाली प्रक्रिया बंद रहेगी। रिजर्वेशन रोस्टर आने के बाद ही लेक्चर की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, तभी अभ्यर्थियों से इंटरव्यू लिया जाएगा। कुलपति के इस आदेश पर छात्र राजद के आभार व्यक्त किया है। 2021 के आलोक में विश्वविद्यालय प्रशासन जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर रही है उसी को लेके छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने अपना विरोध जताया था और हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जो रिजर्वेशन रोस्टर है उस रोस्टर को आप फॉलो कीजिए, उसके तहत आप नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। विश्वविद्यालय ने पहले टाल मटोल करते रहा जिसके कारण हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता में उन्होंने स्पष्ट रूप से हम लोग की बात को सुनते हुए कहा जो सरकार का मानक है जो रोस्टर नियम है हम लोग उसको मानेंगे, ये जब तक रोस्टर क्लियर होकर नहीं आ जाता है तब तक हम इस इंटरव्यू की प्रक्रिया को और ये बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करते हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि आधे घंटे में आप लेटर निकाल दीजिए, जब तक रोस्टर क्लियर होकर कमिश्नर साहब के यहाँ से नहीं आएगा तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित की जाए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और छात्र लोजपा के पहल पर बिहार विश्वविद्यालय ने दलित और महिलाओं को पीजी के नामांकन निःशुल्क कर दिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और छात्र लोजपा ने आज संयुक्त रूप से बीसी से मुलाकात कर दलित और महिलाओं से पीजी के नामांकन में लिए जा रहे शुल्क की चर्चा की। इस दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आरा यूनिवर्सिटी का आदेश दिखाते हुए कहा कि बिहार में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां दलित और महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हम लोगों की मांग है कि बिहार विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी के नामांकन में महिला व दलित छात्रों से नामांकन शुल्क नहीं लिया जाए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने महिलाओं की फीस को लेकर 14 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। कुलपति के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन को खत्म किया गया था। इस पर बीसी शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने ध्यान देते हुए कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में भी महिला और दलित छात्रों से नामांकन शुल्क नहीं लिया जाए। वहीं उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कॉलेजों में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के दौरान महिला और दलितों से शुल्क नहीं लिया जाए। कुलपति के इस आदेश पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने बीसी का आभार व्यक्त किया है। आज कुलपति साहब से हम लोग मिलने गए थे और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और छात्र लोजपा रामविलास के संयुक्त तत्वाधान से हम लोग जो लगातार हम लोग का मांग रहा है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का, और हम लोगों ने अक्टूबर नवंबर में 14 दिन का धरना भी दिया था कि एससी एसटी और महिला से किसी मद में कोई फीस न लिया जाए, उसको हमारे माननीय कुलपति महोदय शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी ने इसको स्वीकार किया है और उन्होंने निर्देशित किया है सारे पदाधिकारियों को कि आप ये लेटर जल्द से जल्द निकालिए कि जो एससी एसटी और महिला से फीस लगातार लिया जा रहा है यूजी और पीजी में अब वो नहीं लिया जाएगा। तो मैं सारे बिहार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को छात्र नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी मदद इस चीज में की थी और हमारे हम लोग कोर्ट का ऑर्डर लेकर के गए थे। माननीय कुलपति जी से हमारा मुद्दा था, काफी समय से चल रहा था कि दलित और महिलाओं का शिक्षा मुफ्त हो और ये आदेश जो है हाई कोर्ट से पारित हो चुका था और इस पर हम लोग काफ़ी लंबे समय से लड़ाई कर रहे थे और इस पर आज कुलपति महोदय ने हम लोगों को कहा है कि हाँ अब जो है दलित और महिलाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला होता यही समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।